मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। कभी नहीं। एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ऑडियो स्टूडियोस। दोस्तों, इस साल बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे गिरी। साउथ फिल्मों ने जबरदस्त परफॉर्म किया। साउथ की फिल्म पुष्पा दी राइज, ट्रिपल आर और केजीएफ चैप्टर 2 और पोनेनी सेवन जैसी बिग बजट फिल्मों ने भी हिंदी बेल्ट में धमाल मचाया। इतना ही नहीं, साउथ की कई लो बजट फिल्मों ने भी शानदार कमाई की। इस बीच एक खबर आ रही है जिससे एक बार फिर बॉक्स ऑफिस सहल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने एक फिल्म प्लान की है जिसमें वो बेटे अल्लू अर्जुन और रामचरण को लीड रोल में कास्ट करना चाहते हैं। खबरें हैं कि वो अपनी फिल्म का नाम भी तय कर चुके हैं और फिल्म का नाम होगा चरण अर्जुन। देखिए जो दोस्तों, तो अल्लू अरविंद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो रामचरण और अल्लू अर्जुन के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म लाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सुपरस्टार को एक साथ ऑन स्क्रीन लाने के लिए प्लानिंग पूरी तरह से हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम तक तय कर लिया। वो फिल्म का नाम चरण अर्जुन रखेंगे और टाइटल भी रजिस्टर करवा लिया। उन्होंने बताया कि वो दोनों स्टार्स को लेकर जबरदस्त एक्शन थ्रिल बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के लिए वो धमाकेदार स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की तलाश में हैं। अब जैसे ही उनकी रिसर्च पूरी हो जाएगी वो फिल्म पर काम करना शुरू कर देंगे। अब अगर ये दोनों स्टार एक साथ आते हैं तो सिल्वर स्क्रीन पर तहलका तो मचना ही है। हालांकि ये दोनों स्टार पहले भी एक फिल्म में नजर आ चुके हैं। फिल्म का नाम था ये वाडू। ये रिलीज हुई थी 2014 में। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट था 35 करोड़ और इस फिल्म ने कमाई की थी 60 करोड़ से भी ज्यादा की। फिल्म में आप लोगों को रामचरण, अल्लू अर्जुन, श्रुति हसन, एमी जैक्शन और काजल अग्रवाल नजर आएंगे। ये वाडू फिल्म 1997 में एक फिल्म आई थी, अमेरिकन फिल्म थी। फिल्म का नाम था फेस ऑफ और ये फिल्म उसी से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो सत्या और चरण के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। फिल्म में थ्रिल भी और साथ ही साथ जबरदस्त एक्शन भी हमें देखने को मिलता है, वो भी दोनों स्टार से। वेल, फिल्म में दोनों को साथ देखकर बहुत मजा आया था, लेकिन फिल्म में अल्लू अर्जुन का जो रोल था वो बहुत ही छोटा सा था। वेल, अगर एक बार फिर से ये दोनों साथ आते हैं तो बहुत मजा आएगा और फैंस जो इनके वो तो पागल ही हो जाएंगे। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। जहां अल्लू अर्जुन की फिल्म 2021 में आई थी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। फिल्म ने हिंदी बेल्ट में भी अच्छी खासी कमाई की। 170 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 365 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाई। वहीं अगर रामचरण की बात करें तो अभी हाल ही में ट्रिपल आर रिलीज हुई और फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया, 1140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अब ये दोनों हिट जोड़ी बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए आ रही है, जिसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपको इस अपडेट के बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी अल्लू अर्जुन और रामचरण की फिल्मों का इंतजार रहता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज़।